सो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इसकी वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि तुम क्या मिस्टेक करते हो कि हेडशॉट तुम्हारे नहीं ले पाते हैं। अब तुम समझ जाओ कि मैंने एक वीडियो बना रखी है कस्टम एचयूडी के बारे में, थ्री फिंगर के बारे में। अगर तुम थ्री फिंगर खेलते हो तो तुम इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। अगर तुम नहीं खेलते हो तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो अब मैं बता दूँ कि क्या क्या तुम्हें यूज करना है जैसे तुम हेडशॉट आसानी से मार सको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में कि तुम्हारे फायर बटन का साइज कितना होना चाहिए, कौन से फ़ोन में लो डिवाइस में खेलते हो तो कितनी होनी चाहिए, तुम्हारा जो स्विच बटन हो कहाँ होना चाहिए और उसकी साइज़ कितनी होनी, ताकि तुम वहाँ पर टच करो तो आसानी से टच हो जाए और गाइस तुम्हारा जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट स्किल गाइस तुम्हारा वहाँ पर बढ़ना चाहिए। अगर तुम मूवमेंट नहीं करोगे तो गाइस हेडशॉट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मूवमेंट अगर तगड़ी होगी तो गाइस तुम्हें एनिमी टच नहीं करेंगे, तुम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लग जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो तो दबा कर लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो, जिससे जो हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहेंगी। और हाँ भाई, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना। तो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि देखो, जो तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारे फ़ोन में जो यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर अगर तुम्हारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है गाइस, तुम्हारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट तो वहाँ पर इनेबल कर देना, ठीक है। ये मैं सेटिंग तुमको बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे फ़ोन में अगर रिफ्रेश 90 हर्ट्ज़ का, 120 हर्ट्ज़ का, जितने भी हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हो, ये दो होते हैं, तो तुमको इनेबल करके खेलना है। इससे गाइस तुम्हारे जो गेमिंग परफॉर्मेंस तगड़ी हो जाएगी। उसके बाद तुम अनदर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गेम बूस्टर डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई भी यहाँ पर कैच होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, तुम आसानी से गेम परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो ये करने, देखो ये मैं दो सेटिंग बता रहा हूँ, एक डाउनलोड कर लेना है किसी जो गेम बूस्टर ही, ये इस इंस्टॉल करके खेलना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो गेम का परफॉर्मेंस है तगड़े कर देते हैं। तो अब चलो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पर ये स्विच बटन का ज़्यादा यूज करता हूँ, इससे क्या होता है तुरंत मार कर तुरंत ही। तो तुमको क्या करना है, एनिमी के बॉडी पर डायरेक्ट रख कर तुमको नहीं मारना है, तुमको एनिमी के बॉडी से दूर रख कर यहाँ पर ट्रैक करना है। इससे क्या होगा, अगर तुम यहाँ पर कर रहे हो ना तो ये क्या होगा, तुम्हारा जो एम है ना वो चिपक जाएगा और तुम्हारा हेड बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई, हेड का भाई थोड़ी शॉट भी नहीं लगा। और देख सकते हो यहाँ पर पूरा रेड मेरा जा रहा है, पूरा रेड। अब मैं बता दूँ, तुम कभी जो यहाँ पर फायर बटन है पूरा, मतलब यहाँ पर क्लिक मत करना। अब जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो ये फायर बटन है वो रिकॉयल करेगा, यहाँ पर एम बटन है ना वो रिकॉयल करेगा, जब रिकॉयल करेगा तो भाई तुम्हारा बॉडी शॉट भी नहीं लगेगा, समझ सकते हो ना। देख सकते हो क्या ही भाई रेड नंबर लग रहा है मेरे यहाँ पर, तो तुम भी ये भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर, देखो अब मैं यहाँ पर यह जंप किया गाइस, ये यहाँ पर मार दिया। तो तुम समझ रहे हो कि एनिमी के बॉडी पर नहीं रखना है, तुमको एयर हवा में रखना है इस तुम्हारे एम को। जब तुम हवा में रखोगे तो ऊपर ड्रैग करोगे गाइस, तुम्हारा डायरेक्ट एम बॉडी पे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ये जो है ना उसका पैर है, और गाइस ये जो तुम्हारा है ना ये उसका यहाँ पर बॉडी है, समझ जाओ। अगर तुम ये इसके नीचे से ऊपर ड्रैग करोगे तो गाइस तुम्हारा बिल्कुल भी हेड शॉट नहीं पड़ने वाला भाई, तुम्हारा बिल्कुल भी। अगर देखो तो तुम्हारा, देखो मैं यहाँ पर देख सकते हो पूरा रेड ही का ही रेड नंबर जा रहा है भाई। तो तुमको क्या करना है, हवा में बिल्कुल रख कर फायर करनी है, मतलब एनिमी की बॉडी से दूर रख कर डायरेक्ट ऊपर यहाँ पर फायर करोगे तो तुम्हारा जो एम है ना डायरेक्ट बॉडी पर चला जाएगा, उसके हेड पर जाएगा, सॉरी गाइस वहाँ पर उसके हेड पर जाएगा। तो तुम समझ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि तुम समझ गए होगे। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ तुम्हारे फायर बटन का जो साइज़ है ना गाइस, अगर तुम 6 GB का फ़ोन में खेलते हो, 6-8 GB उसका स्क्रीन बड़ा होता है, तो तुमको काफ़ी यहाँ पर बड़ा रखना है। इसलिए बड़ा रखना है कि उसकी स्क्रीन भी बड़ी है, तो 60 से 57 के बीच, 60 के बीच में रखना है। तो ये गलती मत करना गाइस छोटा रख करके, बहुत बंदे छोटा रखते, छोटा नहीं रखना है तुमको। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो तुम्हारा स्विच बटन है ना, स्विच बटन अगर थ्री फिंगर में खेलते हो तो तुमको यहाँ पर साइड में रखना है, जिस तरह मैं रखा हूँ। अगर तुम टू फिंगर में खेलते हो या थ्री फिंगर में खेलते हो तो तुम्हारा जिस तरह कस्टम एचयूडी उस पर खेल सको, लेकिन गाइस तुमको ये जो है ना बड़ा रखना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में यार।